अब हम लोग देखते हैं कि द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन अपन के जो मैटर्स जो होते हैं वो अपनी स्टेट में चेंज किस टाइप से अपन के कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन के यहाँ पे देखिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें अपन के सॉलिड लिक्विड और गैसेस तीन लिए हैं मैंने। यहाँ पे देखिए अपन का सबसे पहले सॉलिड जो होता है किस टाइप से लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड किस टाइप से गैस में, और ये प्रोसेस रिवर्स कैसे होगा वापस से देखिए। सबसे पहले अपन लोग सॉलिड लेते हैं, सॉलिड को जब अपन लोग मेल्ट करेंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब मेल्टिंग का मतलब गलना, हिंदी में बोलते हैं इसको गलना। अगर सॉलिड को अपन लोग मेल्ट कर देंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अपन का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको मैंने और ज्यादा अपन के क्या दे दिया, अपन के और ज्यादा टेम्परेचर दे दिया, और ज्यादा टेम्परेचर देने के बाद में ई वेपराइजेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं वाष्पीकरण। अगर अपन लोग लिक्विड का वेपराइजेशन या जिसको लिक्विड का वाष्पीकरण कर देंगे वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अपन का गैस के अंदर बदल जाएगा। तो मैंने क्या बताया, सॉलिड गल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड वेपराइज हो जाएगा, अपन का किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब यही प्रोसेस रिवर्स कैसे होता है, जब अपन लोग गैस को कंडेंसेशन कर देंगे मतलब उसका संघनन कर देंगे, हिंदी में बोलते हैं संघनन। अगर उसका संघनन कर देंगे तो वो वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। और अगर उसको फ्रीज कर देंगे, फ्रीज का मतलब हिंदी मीडियम जानते हैं जमा देंगे उसको वापस से, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अपन का वापस से सॉलिड में। तो ये जो प्रोसेस है रिवर्स वाला, गैस को कंडेंसेट कर दिया तो लिक्विड में, लिक्विड को वापस से फ्रीज कर दिया तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब सॉलिड को डायरेक्ट जब गैस में कन्वर्ट करते हैं तो सब्लिमेशन होता है, जिसको अपन लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है कि सॉलिड को जब अपन लोग डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट कर दे तो वो हो जाएगा अपन का ऊर्ध्वपातन। और वापस से गैस को भी सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन लोग, जिसको अपन लोग रिवर्स सब्लिमेशन भी बोलते हैं अपन लोग। तो अभी फिलहाल अपन को ध्यान रखना, सॉलिड को अगर अपन लोग डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर दे तो ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। इसके एग्जांपल अपन लोग देख लेते, वैसे आगे वाला जो चैप्टर आएगा इसके बाद में उस चैप्टर के अंदर अपन लोग डिस्कस करेंगे पूरा सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या होता है, किस टाइप से अपन लोग सब्लिमेट कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल ले लेते हैं अपन लोग कैम्फर, या जिसको कपूर अपन लोग बोलते हैं, या जिसको अपन लोग NH4Cl ले लिया अपन के, ये दो तीन एग्जांपल अपन के इसके अंदर आ जाएंगे सब्लिमेशन के अंदर, जो क्या होते हैं डायरेक्टली सॉलिड से किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, गैस के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ड्राई CO2 भी इसी के अंदर आएगा, जिसको अपन लोग शुष्क CO2 बोलते हैं, ठीक है, वो भी इसी के अंदर आएगा। तो ये जो अपन के प्रोसेस हो जाएगा मतलब द्रव की अवस्था के अंदर परिवर्तन हो जाएगा। अब ये तो हो गया अपन के डायरेक्ट फ्लो चार्ट से अपने पढ़े। अब डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछता क्या है कि द्रव की अवस्था का तापमान का द्रव की अवस्था पर या टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, फिर अपन लोग देखेंगे प्रेशर का किस टाइप से इफेक्ट करता है। तो सबसे पहली चीज अपन लोग लेते हैं कि टेम्परेचर या जो तापमान होता है वो किस प्रकार से अपन के द्रव की अवस्था या स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले लेते हैं अपन लोग टेम्परेचर तापमान। एक चीज का ध्यान रखना, जब कभी भी किसी भी फॉर एग्जाम्पल लेते हैं अपन लोग, जैसे अपन लोग ले लेते हैं ठोस अपन का बर्फ है, जिसको अपन लोग वाटर ले लेते हैं H2O, जो अपन का क्या है सॉलिड स्टेट में, जिसको अपन लोग बर्फ भी बोलते हैं, आइस हो गया। अगर मैं इसको टेम्परेचर दूंगा, ये साइन है टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर दिया मैंने किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से H2 ही रहेगा लेकिन किसमें कन्वर्ट हो गया, अभी लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब फिर से इसको मैंने टेम्परेचर दिया तो किसमें कन्वर्ट हो गया, ये H2O वेपर के अंदर या गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये चीज अपन की क्या है, टेम्परेचर बढ़ने पर अपन की क्या होगा, सॉलिड में टेम्परेचर बढ़ेगा लिक्विड में कन्वर्ट, उसको बाद में अपन ने किया तो गैस में। तो इसका मतलब क्या हो, अगर इसका मैं डायग्राम बनाता हूं तो ये होता है, बहुत ही ज्यादा पास पास में होते पार्टिकल, जैसे कि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले अपन के, ठीक है। अब इसका देखते हैं अपन लोग, थोड़ा सा दूर दूर होता है पार्टिकल्स में, इसमें होते हैं बहुत ही ज्यादा दूर दूर। तो अपन लोग बोल सकते हैं कि जैसे जैसे किसी भी द्रव्य का या अपन के मैटर का अपन लोग तापमान या टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमेशा उसके पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे। पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे, ये देख रहे हैं अपन लोग इसके अंदर। तो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो पार्टिकल्स क्या होंगे, अपन के दूर दूर जाते हैं इसके अंदर। अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, बैलून को अगर अपन लोग सनलाइट या अपन के सूर्य की गर्मी के अंदर रखते हैं तो वो क्या होता है, फूट जाता है, इसका कारण क्या है अपन का। तो वही इसका कारण है कि मैटर्स के पार्टिकल जब टेम्परेचर अफेक्ट करता है इसके ऊपर तो पार्टिकल्स क्या होते हैं अपन के बहुत ही दूर दूर जाएंगे। जब पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, ये सारे के सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे, इसको बार बार क्या करेंगे, इसकी लेयर को टक्कर मारेंगे, जैसे जैसे टक्कर मारते रहेंगे अपन का बैलून क्या हो जाएगा, एक कंडीशन में फूट जाएगा। तो उसका भी रीजन यही होता है कि जब अपन के मैटर के पार्टिकल्स के ऊपर टेम्परेचर पार्टिकल्स क्या होते हैं अपन के बहुत ही दूर दूर जाते हैं, देयरफॉर क्या होता है अपन के ये टेम्परेचर इसके ऊपर मैटर के ऊपर अपन का जो अपन लोग बोलते हैं वो अफेक्ट करता है। तो ध्यान रखना है टेम्परेचर बढ़ाने से अपन के क्या होंगे, मैटर के पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे। ये तो हो गया अपन के टेम्परेचर का अफेक्ट। अब दूसरा अपन लोग इसके अंदर लेते हैं अपन का प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है।
या जिसको बोलते हैं नाभ, किस प्रकार से इसके ऊपर प्रभाव डालता है। ठीक, चलिए। तो नाभ अपन के, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, स्टेट ऑफ मैटर पढ़ाया था, तब जो गैस जो होती है उसको अपन लोग अगर अपन लोग ज्यादा कंप्रेस करके भरेंगे अपन लोग, तो एलपीजी और सीएनजी अपन लोग जिसमें भरते ही अपन के, ये दोनों गैसेस का पता ही है। ठीक है, तो ध्यान रखना, दाब अपन लोग लगाएंगे किसी मैटर के ऊपर तो उसके पार्टिकल्स अपन के बहुत ही ज्यादा फास्ट फास्ट में आते हैं, जिससे अपन की कंप्रेसिबिलिटी अपन की बढ़ती है, अपन लोग बोलते हैं गैसेस के अंदर वगैरह। ठीक है, तो जैसे जैसे किसी चीज को अपन लोग प्रेशर करेंगे, उसको प्रेस करेंगे, तो अपन के पार्टिकल्स क्या होंगे उसके पास पास में आएंगे। तो ये है अपन का प्रेशर का इफेक्ट। अब अपन लोग देखते हैं, एक अपन का एग्जांपल लेते हैं, अपन लोग ड्राई आइस जिसको अपन लोग बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछते हैं, जिसको अपन लोग बोलते हैं शुष्क बर्फ, इसके अंदर आता अपन का CO2। जो CO2 जो होता है अपन का, उसको बहुत ही सॉलिड जो CO2 है अपन का, उसको बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर के अंदर अपन लोग रखते हैं, हाई प्रेशर के अंदर रखते हैं। अब जैसे ही अपन लोग क्या करते हैं, उसको उसका जो प्रेशर है उसको लो किया जाता है, तो वो डायरेक्टली किसके अंदर, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। डायरेक्टली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ध्यान रखना, जो ड्राई आइस है वो अपन के लिक्विड स्टेट में कभी चेंज नहीं होता है, जो शुष्क बर्फ है ड्राई आइस, उसमें अपन का सब्लिमेशन का प्रोसेस अपन लोग बोल सकते हैं इसके अंदर। तो जो अपन की ड्राई आइस होती है, जो आइस होती है शुष्क बर्फ, जिसको अपन लोग CO2 बोलते हैं, वो हाई प्रेशर के अंदर रखा जाता है हमेशा। उसको जब अपन लोग प्रेशर को कम करते हैं, वन एटमोस्फियरिक प्रेशर या एक इकाई वायुमंडलीय दाब से अपन लोग उसका प्रेशर या दाब कम करते हैं, तो वो डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट होता है अपन का गैसीय अवस्था के अंदर, या गैस के अंदर अपन का कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक अपन को एग्जांपल ध्यान रखना है, ड्राई आइस का एग्जाम के अंदर पूछता है। अब कुछ डेफिनेशंस है इसके अंदर जो अपन लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या आती है, मेल्टिंग पॉइंट, जिसको अपन लोग बोलते हैं गलनांक हिंदी के अंदर बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, कोई भी जो सॉलिड होगा, सॉलिड को लिक्विड के अंदर, सॉलिड को लिक्विड के अंदर अपन के ठोस को द्रव के अंदर बदलने के लिए जो अपन का टेम्परेचर अपन के रिक्वायर्ड होगा, वो टेम्परेचर अपन के क्या होगा, गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, किसी ठोस को द्रव में बदलने के लिए जो तापमान आवश्यक होता है उसको बोलते हैं अपन लोग गलनांक बोलते हैं। तो अपन के जो आइस होता है, अपन का बर्फ जो होता है, उसका गलनांक होता है 273.16 केल्विन के ऑलमोस्ट अपन के लगभग होता है। अपन का बर्फ जो होता है अपन का, उसका गलनांक या जिसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, वो कितना होता है 273.16 केल्विन होता है। अब इसी के अंदर अपन की एक डेफिनेशन आती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब द्रव की गुप्त ऊष्मा। तो इसको देखते हैं अपन लोग, सपोज करो मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड, इसको इस टाइप से आप लोग याद करना, इजी याद रहेगा। मतलब जब कोई भी अपन के 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड जो होगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, अगर उसको टेम्परेचर अपन किसी टेम्परेचर पे, वो क्या होगा टोटली अगर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो वो अपन के क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो देखिए अपन का 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड लिया, मैंने यूनिट लेना इसके अंदर, तो यूनिट मैंने यहाँ पे ले लिया है, यूनिट किलोग्राम ऑफ सॉलिड ले लिया है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अपन लोग जो टेम्परेचर देते हैं, अगर वो टोटली लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको अपन लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द्रव की गुप्त ऊष्मा अपन लोग बोलते हैं। मतलब 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करना है, टोटली लिक्विड के अंदर, और जो टेम्परेचर अपन का रिक्वायर्ड होगा उस टेम्परेचर को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। अब ये तो हो गया अपन का, जब कोई भी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तब ये दोनों प्रोसेस आएंगे अपन की। अब किसी भी, अगर मैं सॉलिड को लेता हूं, सॉरी किसी भी लिक्विड को लेता हूं, अगर उसको अपन लोग कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, गैस के अंदर, गैस के अंदर कन्वर्ट करेंगे, द्रव को किसके अंदर बदल दिया मैंने, गैस के अंदर। तो द्रव को गैस के अंदर बदलने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ध्यान रखना अपन का, किसी भी लिक्विड को जब अपन लोग गैस में कन्वर्ट करेंगे, तो वो अपन का हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके अंदर अपन का आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसको अपन लोग बोलते हैं वाष्प की गुप्त ऊष्मा, हिंदी में बोलते हैं इसको वाष्प की गुप्त ऊष्मा। अब इसका मतलब क्या होता है, वही सेम चीज यहाँ पे देख लेते हैं अपन लोग। अब 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड की जगह अपन को ले लेना है लिक्विड, वही एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब टोटली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो, अगर टोटली किसके अंदर, गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया अपन का, तो उसको अपन लोग क्या बोल देंगे इस बार अपन के,
वाष्प की गुप्त ऊष्मा, मतलब जब कभी भी अपन का 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड लिया अपन ने एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर अगर अपन लोग उसको क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे, जो अपन का टेम्परेचर होगा उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, वाष्प की गुप्त ऊष्मा अपन लोग इसको बोलेंगे। तो ये चार अपन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपन के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस पूछता है एग्जाम के अंदर। तो ध्यान रखना मेल्टिंग पॉइंट तो होता है सॉलिड से लिक्विड के लिए टेम्परेचर, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो है लिक्विड से गैस के अंदर जो अपन का टेम्परेचर चाहिए वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। एंड कैल्सियस स्केल जिसको अपन लोग हिंदी में बोलते हैं अपन का वही केल्विन व सेंटीग्रेड जिसको बोलते हैं, या सेल्सियस भी बोल सकते हैं अपन लोग, सेंटीग्रेड स्केल। अब ये क्या होता है अपन का, अब एक्चुअल में जो होता है अपन का टेम्परेचर मेजर करने के लिए अपन लोग इन दोनों स्केल का अपन लोग यूज करते हैं। जो कैल्सियस तो है अपन का वो अपन के केल्विन जो होता है अपन का ऐसा यूनिट होता है जो अपन ने नीचे मैंने लिख रखा है, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन के एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लेता है काफी बार की ऐसा यूनिट क्या होता है अपन का केल्विन का, तो सॉरी टेम्परेचर का, तो क्या होता है केल्विन होता है। अब जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमेशा ध्यान रखना कितने केल्विन होते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमेशा 273 केल्विन होते हैं। अब मैंने एक यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है जो अपन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला बनने वाला है। कभी कभार एग्जाम में क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया भाई, एग्जाम्पल दे दिया कि 293 केल्विन अपन का कोई भी टेम्परेचर है जिसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो डिग्री सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट क्या करें, कैसे करेंगे अपन लोग, ये जो केल्विन दे रखा है मैं यहाँ पे पुटअप कर दूंगा 293 यहाँ पे लिख दिया। मैंने बताया है माइनस जैसे ही करते हैं 273 अपन का वो टेम्परेचर किसके अंदर आ जाता है अपन का, हमेशा आ जाता है अपन का सेल्सियस के अंदर, तो 20 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा इसका टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अपन का ऐसा यूनिट वाला है और ये फॉर्मूला अपन के ये वाला सेकंड पॉइंट अपन के मोस्ट इंपोर्टेंट वाला बनने वाला है कि अपन लोग डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें, या फिर एग्जाम के अंदर यही 20 डिग्री दे देगा आपको और बोलेगा कि किसके अंदर कन्वर्ट कीजिए, इसके केल्विन के अंदर कन्वर्ट कीजिए, तो कैसे करेंगे, तो केल्विन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिग्री सेल्सियस ये अपन का लेफ्ट उधर चला जाएगा अपन का, जिसमें अपन का हो जाएगा 273, तो प्लस का हो जाएगा, तो इस 20 डिग्री का अंदर अपन लोग वापस ये जोड़ेंगे तो अपन का कौन सा आ जाएगा केल्विन आओ, तो ये फॉर्मूला अपन के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। अब एटीएम जिसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है अपन का, ये है अपन का यूनिट ऑफ प्रेशर। टेम्परेचर का यूनिट तो क्या हो गया अपन का केल्विन हो गया, और प्रेशर का यूनिट जो है अपन का क्या होता है अपन के एटमॉस्फेरिक एटीएम जिसको अपन लोग बोलते हैं। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है पास्कल जिसको अपन लोग प्रेशर का यूनिट भी अपन लोग बोलते हैं। प्रेशर का यूनिट हमेशा क्या होता है दाब, जिसको बोलते हैं दाब का इकाई हमेशा क्या होता है अपन का दाब का इकाई क्या होता है प्रेशर होता, सॉरी अपन के पास्कल होता है। तो एटीएम होता है उसका अपन के वैल्यू कितना होता है 1.01 × 10⁻¹⁵ पास्कल। ये भी अपन का इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था अपन का 0 डिग्री सेंटीग्रेड में अपन का कितना केल्विन वगैरह होता है, तो वो भी 1 एटीएम के अंदर पास्कल कितने होते हैं, तो वो भी अपन के एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। अब जो सी लेवल जो होता है अपन का, समुद्र का जो लेवल होता है सरफेस लेवल होता है वो अपन का, उसका प्रेशर कितना होता है हमेशा 1 एटीएम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं, और उसी को ध्यान रखना अपन लोग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है अपन लोग उसी को यूनिट के फॉर्म में अपन लोग मेजर करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 1 एटीएम अपन के लेना है, जिससे अपन का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अपन ने देखा था, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन करा था अपन ने, तो उसके अंदर जो अपन लोग 1 एटीएम यूज कर रहे थे वो यही 1 एटीएम है जो अपन का सी लेवल के हिसाब से अपन लोग उसको मापते हैं, और यही अपन का हमेशा क्या होता है अपन के यूनिट के रूप में अपन लोग इसको मेजर करते हैं। तो ये अपन का पूरा चैप्टर था मैटर्स इन आर सराउंडिंग, जिसमें अपन ने पूरा का पूरा चैप्टर को डिस्कस किया, हर एक टॉपिक एनसीईआरटी का सारा टॉपिक अपन ने इसके अंदर डिस्कस कर लिया है। तो प्लीज इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आपको कोई भी क्वेरी हो इस चैप्टर से रिलेटेड, आपको कोई ना कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग बता सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसका आपके जल्दी से जल्दी कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास आपके करूंगा। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैंने बना दिया ये वीडियो, दोनों इजीली इसको देख सकते हैं आपके, और एनसीईआरटी का है पूरा का पूरा, तो वो आप लोग इजीली इससे आप लोग पढ़ सकते हो, हर एक टॉपिक को इसके अंदर कवर किया गया है। तो इससे आगे वाले वीडियो में अपन लोग सेकंड चैप्टर अपन के जो है मैटर से रिलेटेड ही है वो अपन का, जिसमें एटम मॉलिक्यूल्स वगैरह पढ़ेंगे उसको अपन लोग आगे डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।